सारे गुरु जी की छत। मैं आपको जानते हैं गुरु पूर्णिमा को मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे गुरु पूर्णिमा को धन्यवाद कहो, मैं कहता हूं अगर आप शिष्य हैं तो आपका कर्तव्य होता है कि आप होना चाहिए मैं आपको बुलाना है और मैं आज भी बोलेगा मैं साधकों को सुन लेकर कह रहा हूँ और जो साधक मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ जो साधक मेरे साथ जुड़ा आज से छूटा नहीं तो फिर वापस आया क्यों क्योंकि मैं ऐसा मान नहीं चुनता जो तुम्हारे तुम्हारा नुकसान देगा तुम्हारे को नीचे गिरने दे दे। मेरा ये कहना है कि मैं नीचे गिरने नहीं देना और तुम्हें जरूर कहता हूँ नाक तक पानी लाता हूँ क्योंकि डूबने नहीं दूंगा तुम्हें जरूर किनारे ले आऊंगा ये मेरा कर्तव्य है। मैं आवश्यक रूप से किसी को ये बात कहते हुए कि तुम्हारे को ये काम करो इतना करो ऐसा करो मैंने केवल गुरु मंदिर के बारे में आपको बहुत बात कहा आज मैं क्या चूज रहा हूँ मेरे पास जो लोग हैं गुरु को बनाए कितना चूज रहा हूँ आज गुरु मंदिर मानने के लिए क्या करना पड़ रहा है मैं साधना कर रहा हूँ यह बात कि गुरु मंदिर होना चाहिए और मैंने बहुत बार शिविर के माध्यम से भी आपको कहा मैं आपके पास से मैं मंदिर मान रहा हूँ पैसा तुम्हारे साथ कभी नहीं पूछूंगा मेरे साधना के बल पर ही आपको गुरु मंदिर पूर्ण करके बताऊंगा ये मेरी इच्छा है मैं किसी के बारे में चाहे साधना ही हो चाहे और कितनी इच्छा हो तो ये कहने की होगा कि तुम मुझे पैसे दो तुम्हारे को तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा मेरा ये ही कहना है आपको साधक बनो तो आपके पीछे हजारों लोग हैं साधक बनो तो आपके ऊपर निर्वसन करने वाले हजारों लोग हैं आप उस उद्देश्य को लेकर चलो गुरु जी साधक बन कराएंगे क्या नहीं कराएंगे सिद्धार्थ से आगे सुनिए केवल उन्होंने अपने अनुभव के साथ अपनी तपस्या के साथ पुस्तकें लिखी और आज पूरे भारत में सिद्धार्थ सर परिवार की शाखाएं हैं साथ साथ गुरु की कृपा से गुरु के लिए कोई कमी नहीं बहुत गुरु बढ़े मैं उन सभी गुरुओं से एक प्रेरणा करता हूँ कि तुम्हारे दिल में एक बात ध्यान रखो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर उंगली उठाए ऐसा कोई कार्य मत करो सभी को ये आश्वासन दे दो कि हाँ ये साधनाएं हैं इन साधनाओं से आपकी समस्या का समाधान होगा साथ साथ समस्याएं तो हर एक जीवन में समस्या नहीं है ऐसा कोई एक व्यक्ति भी नहीं संसार में चाहे रामचंद्र जी भी आए हो चाहे कृष्ण भगवान भी आए हो सभी को समस्याएं हैं और समस्याएं और समस्याओं का समाधान केवल साधना के मार्ग से हुआ कोई किसी को ऐसा हुआ उसका काम हुआ ऐसा आपने किसी को भी नहीं देखा कर्म तो तारीख कर रहा है और ये कर्म करने के लिए जो हम आगे काम चल रहे हैं आगे काम करना चाह रहे हैं इसके लिए योग्य गुरु का और योग्य मार्गदर्शन के साथ चलाने की क्षमता हम चाहे माता काली हो तारा हो भुवनेश्वर हो कन्या हो या देवी हो इन सारे महाविद्याओं को क्यों सिद्ध करना चाहिए हमारे जीवन में हम आगे चलकर क्या करना चाहिए मैं कहता हूँ कि हम नपुंसक जीवन नहीं जीना चाहिए वीरता सामर्थ्य के साथ जीना चाहिए मैं कभी भी कहा आज भी कहता हूँ तुम तुम्हारे परिवार के बारे में चिंता करते हो तो तुम्हारे परिवार की समस्या का समाधान करके आप हजारों की समस्या का समाधान करेंगे और ये साधना से भाग्य है ये साधना के मन द्वारा कर सकते हैं बहुत लोगों की ये समस्याएं सुनता हूँ कि मेरी समस्या आपको ये मेरे ही बारे में नहीं हुआ आप कहीं जब रामकृष्ण परमहंस भी बैठे थे तो नरेंद्र के रूप में जो विवेकानंद आए तो महाकाली के रामकृष्ण परमहंस का जो उनका गला अच्छा था वो भजन सुनाने आया करते थे भजन सुनाते थे लेकिन बाद में वो रोज आने लगे और एक उनके जो बचपन के था तो उनके पिताजी गुजर गए और रामकृष्ण परमहंस उनके मित्रों ने जाना था नरेंद्र के पिताजी गुजर गए हैं उनके पास कुछ है नहीं वो बहुत कड़की में चल रहे हैं वो नौकरी नहीं है घर चलाने के लिए मुश्किल हो रही है तो सभी लोग उन्हें नरेंद्र को लेके गए रामकृष्ण परमहंस जी के पास लेकर कहने लगे कि ये नरेंद्र आए हैं देखो प्रभु इसके घर में बहुत दरिद्रता है इसके पिताजी गुजर गए कमाने वाला कोई नहीं है इसको भी नौकरी नहीं है इतनी समस्या से जूझ रहा है रामकृष्ण परमहंस वहां बैठे ऐसे शिष्य बैठे हुए थे तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैं सभी शिष्यों से कहता हूं कि आप नरेंद्र को कुछ सहायता करो उसकी नौकरी के लिए उसके लिए ऐसा कह रहे थे तो जब सब लोग उनके चले गए नरेंद्र बैठे बैठे बोले गुरु जी आपने क्या कह दिया रामकृष्ण परमहंस को बोले गुरु जी आपने क्या कह दिया मेरे लिए उनकी सहायता था मेरे जब लोग आपको काली माता प्रसन्न अब काली माता की बात कहते हैं मेरी इच्छा पूर्ण हो जाती है लेकिन आपने इन सभी लोगों से कहा कि मैं मेरा सामान ही अपमान समझता हूँ
तो रामकृष्ण परमेश ने कहा कि हे अरे मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि तेरे लिए मैं गली गली भीख मांगूंगा, पहले माता के सामने लेकर के तलवार दे के छोड़ूंगा, उसे सम्मान दे के छोड़ूंगा। ऐसा रामकृष्ण ने गुरु के नाम पर अपने शिष्य से कहा। यह गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के लिए क्या करना चाहिए। मुझे आज सिद्धि है तो मैं एक दिन में सिद्धि लेकर दे दू तो आपको उसका मतलब नहीं समझेगा। जब तक आप भोग नहीं खाएंगे, परिवार है, संतान है, सभी है, सभी से करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आपको मैं एक बात कह रहा हूँ, कर्म बिना करते अगर मुझे साधना है और कुछ तुम भी सिद्ध है तो एक मिनट में तुम गुरु को बुला सकता हूँ। आप कर्म करो, उस कर्म को सिद्धि पर बनाऊंगा, उस कर्म के साथ साथ में आपको भी वो हल वो कार वो वाहन वो सब सिद्धियां वो सब सम्मान आपको दान दूंगा। लेकिन कर्म करके पूछो, बिना कर्म के मेरे पास आकर पूरी मुझे ये चाहिए। ऐसा नहीं, जिस दिन आप कर्म और साधना दोनों को बोले तो दूध में दूध के क्षेत्र का काम करेगा, बैठे बैठे दूध प्राप्त करना। ये कभी इसकी आशा मत करो, कर्म भी करो, आपके कर्म के साथ साथ साधना भी संपन्न करो। मैं आपको कहता हूँ जरूर आपके लिए हर रोज गुरुजी से एक स्नान ध्यान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे शिष्यों की आप इच्छा पाना पूर्ण करो। अगर ये नहीं था तो मैं यहाँ गुरु ग्रंथ करने का कोई अधिकार नहीं है, ये गुरु बनने का अधिकार नहीं है और आपको यहाँ मेरे मंच पर बिठाने का अधिकार नहीं है। आपके दुखों में आपके कष्टों में मैं आज आगे खड़े नहीं रहा, और आप केवल समझते हैं कि आपको कष्ट है तो सभी लोग मेरे पास आएगा पैसों का, और पैसे के लिए आप छोटे से लेबर को देखते हो जो फीस नाम करके का काम करता है 300 या 500 रुपए लेता है, क्या वो कर नहीं कर रहा है उसको 500 रुपया है, और एक शेयर मार्केट वाला एक फोन पे काम करता है 1000 रुपए उसके पास आते हैं, इसमें इसमें क्या भेद है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं आपको कहता हूँ शेयर मार्केट वाला कभी भी बीमारी को पैसे लेता है और मेहनत करने वाला एक सुखी नींद सोता है और अपना हमारे पास उस सुखी नींद नहीं है और उस सुखी नींद के लिए कर्म करना आवश्यक है। मैं आप सचमुच आपको मैं कहूंगा कि आप कष्टों में है और मुझे लगा कि आपके कष्ट इतने हैं कि असह्य है और आपको कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो जरूर दशमा विद्याओं से भरपूर सदगुरु सुनाऊंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा, आगे रहूं या ना रहूं पुकारो पर खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा शिष्य दुखी होकर आत्मा से पानी ना हो। लेकिन कुछ भी नहीं हो फिर भी मैं सर कर दिया तो भी गुरु जी मेरा सर कर दिया गोली को, अरे वो जो काम डॉक्टर से 10 पैसे में होता है उसके लिए गुरु जी की प्रार्थना करो। कई कपड़े धोने मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला रुपया एडमिशन के लिए गुरु जी काम करना, ऐसी स्थिति हो गई। आजकल क्या स्थिति क्या है कि गुरु को कैसा गुरु का उपयोग कैसा किया जाए, और मैं ये कहता कि आप ऐसे तो छोटे छोटे से कष्ट सभी के जीवन में हम लोग कष्टों के लिए अपने गुरु को या गुरु की तपस्या का अपमान करना ठीक नहीं, लेकिन आप सच को आप ऐसी स्थिति में कि आपको असहाय हो, आपको कोई सहायता करने वाले नहीं और आप चौराहे पर खड़े हुए हैं, एक बार गुरु को पुकारो गुरु आपके साथ खड़ा है। लेकिन हर काम के छोटे काम के लिए भी गुरु का नाम लेकर आगे चलते हैं तो ये गुरु को सताने की बात हो, गुरु को कष्ट पहुंचाने की बात हो। आपको खाने के लिए है, रहने के लिए घर है, बीवी बच्चे हैं, तो आप चाहते क्या है कि मेरे पास साइकिल है तो स्कूटर चाहिए, स्कूटर है तो कार चाहिए, कार है तो प्लेन चाहिए, प्लेन है बड़ा महल चाहिए, ऐसा नहीं। तुम स्कूटर कार से आगे बढ़ रहे हो तो तुम आगे बढ़ते समय में क्या करना है विचार करो, तुम्हें उसकी कमी नहीं है, उसका विचार करो जिसके पास साइकिल भी नहीं है, उसका विचार करो जिसके पास गाड़ी भी नहीं है, उसका विचार करो जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो साधक है तो हम उसके पीछे उसके साथ हमें काम करना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे ऐसा कोई भी कष्ट हो जो तुम्हारे लिए असह्य हो, तुम्हारे घर में सता रहा हो,
मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और जरूर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। आज मैं जो आपको साक्षात माता काली की कह रहा हूँ, यह साधना आज तक किसी ने आपको नहीं की, और ये वशिष्ठ साधना केवल गुफाओं में की जाती, केवल जंगलों में की जाती, केवल नदी के किनारे स्मशान में एकांत स्थान में सफल की जाती है। और ये साधना करने वाला संसार का सर्वश्रेष्ठ साधक कहता है, मैंने जिसे आपको आज तक नाम दिया है